ब्लैक होल्स कैसे बनते हैं? दोस्तों, स्टार्स हाइड्रोजन के बने होते हैं। फ्यूजन की प्रक्रिया से ये हाइड्रोजन हीलियम में बदलती रहती है और स्टार से प्रकाश और ऊर्जा निकलती रहती है। लेकिन जब किसी तारे की सभी हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाती है तो ये तारा एक भयानक सुपरनोवा विस्फोट से नष्ट हो जाता है, लेकिन इसका कोर सिकुड़कर एक ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल बनने के लिए यह शर्त है कि तारे का द्रव्यमान सूर्य से 20 गुना अधिक होना चाहिए। गैलेक्सी के केंद्र में पाए जाने वाले सुपरमैसिव ब्लैक होल्स कैसे बने, यह अभी भी एक रहस्य है। पृथ्वी से 13 अरब लाइट ईयर्स दूर भी एस्ट्रोनॉमर्स को अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल्स दिखाई दे रहे हैं। कोई नहीं जानता कि अर्ली यूनिवर्स में इतने बड़े बड़े ब्लैक होल्स कैसे बन गए, क्योंकि ब्लैक होल्स को बहुत सा मैटर अपने अंदर खींचकर बड़े आकार का बनने में काफी समय लगता है। इन पुराने बड़े ब्लैक होल्स की वजह से बिग बैंग थ्योरी पर भी प्रश्न उठने लगे हैं। यूनिवर्स में ब्लैक होल्स कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों, यूनिवर्स में ब्लैक होल्स भी कई प्रकार के हो सकते हैं। वैज्ञानिकों ने इन्हें 4 मुख्य कैटेगरी में रखा है: स्टेलर ब्लैक होल्स, इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स, सुपरमैसिव ब्लैक होल्स और प्राइमोडियल ब्लैक होल्स। स्टेलर ब्लैक होल बड़े स्टार्स के मरने से बनते हैं। जब कोई स्टार जिसका मास सूर्य से 20 गुना अधिक होता है अपने जीवन की लास्ट स्टेज में पहुंचता है तो इसका हाइड्रोजन फ्यूल खत्म हो जाता है और इसका कोर सिकुड़कर एक स्टेलर मास ब्लैक होल बन जाता है। दो या दो से अधिक ब्लैक होल्स के आपस में मिल जाने से इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स बनते हैं, लेकिन यह एक रहस्य है। वैज्ञानिकों को अभी बहुत कम इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स के प्रूफ मिले हैं। अत्यधिक बड़े ब्लैक होल्स सुपरमैसिव और अल्ट्रामैसिव ब्लैक होल्स होते हैं, जो कि हर गैलेक्सी के सेंटर में पाए जाते हैं। ये कैसे अस्तित्व में आए, यह अभी भी एक रहस्य है। फोर्थ टाइप के ब्लैक होल्स हाइपोथेटिकल हैं। इन्हें प्राइमोडियल ब्लैक होल्स कहते हैं। ये यूनिवर्स में बिग बैंग की घटना के समय ही बन गए थे। इनका आकार स्टेलर ब्लैक होल से भी छोटा होता है। भारतीय मूल के 2 एस्ट्रोनॉमर्स ने बताया कि सुपरमैसिव ब्लैक होल्स कैसे बने। दोस्तों, हर गैलेक्सी के सेंटर में एक बहुत ही बड़ा सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है। इन सुपरमैसिव ब्लैक होल्स का मास सूर्य से लाखों अरबों गुना ज्यादा होता है। ये सुपरमैसिव ब्लैक होल्स यूनिवर्स में कैसे बने, ये कोई नहीं जानता। भारतीय मूल के 2 एस्ट्रोनॉमर्स शांतनु बसु और अर्पण दास ने बहुत से बड़े सुपरमैसिव ब्लैक होल्स, जिन्हें क्वेजार भी कहा जाता है, कि स्टडी करके ये थ्योरी प्रस्तुत की है कि ये बड़े ब्लैक होल्स चेन रिएक्शन से बने। इनके अनुसार जब कोई ब्लैक होल मैटर को अपनी ओर खींचता है तो ये अपने आसपास बहुत सी रेडिएशन ऊर्जा फैला देता है। इस ऊर्जा से आसपास की गैस क्लाउड्स की गैस भी अत्यधिक गर्म होकर ब्लैक होल की ओर खींचने लगती है। ये गैस ब्लैक होल्स में गिरते समय और अधिक एनर्जी स्पेस में बिखेर देती है, जिससे कि एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है और ब्लैक होल का आकार बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। एस्ट्रोनॉमर्स ने खोजा सबसे पुराना और सबसे दूर का ब्लैक होल। दोस्तों, एस्ट्रोनॉमर्स की एक टीम ने यूनिवर्स का सबसे पुराना और सबसे दूर का सुपरमैसिव ब्लैक होल खोज निकाला है। इसका नाम J0313-1806 रखा गया है। यह अब तक का खोजा गया सबसे दूर का क्वेजार है। ये पृथ्वी से 13 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। यह अब तक का खोजा गया सबसे पुराना क्वेजार सुपरमैसिव ब्लैक होल भी है। यह बिग बैंग से सिर्फ 690 मिलियन साल बाद ही अस्तित्व में आ गया था। यह एक यूनिवर्स का बहुत बड़ा रहस्य है कि कैसे बिग बैंग के तुरंत बाद बहुत कम समय में इतने बड़े बड़े ब्लैक होल्स और जायंट गैलेक्सीज बन गई। दोस्तों, हर गैलेक्सी के केंद्र में एक बहुत बड़ा ब्लैक होल होता है, जिसे सुपरमैसिव ब्लैक होल कहते हैं। कई बार ये ब्लैक होल शांत होता है, पर बहुत सी गैलेक्सीज में यह ब्लैक होल अपने अंदर स्टार्स और मैटर अपनी तरफ खींचता रहता है, जिससे बहुत अधिक मात्रा में रेडिएशन और ऊर्जा निकलती है। ऐसे सुपरमैसिव ब्लैक होल्स को क्वेजार कहते हैं। पृथ्वी के सबसे पास का निकटतम ब्लैक होल कौन सा है? दोस्तों, हमारी पृथ्वी से अब तक खोजा गया सबसे पास का ब्लैक होल HR 6819 QV-TEL है। ये पृथ्वी से 1000 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। सुनने में यह बहुत दूर लगता है, 9,000 मिलियन किलोमीटर दूर। यहाँ से प्रकाश को हम तक पहुँचने में ही 1000 साल का समय लगता है, लेकिन वास्तव में यूनिवर्सल स्केल पर देखें तो यह हमारे बगल में ही है। यह हमारी पृथ्वी के बहुत पास है। ये ब्लैक होल टेलीस्कोपियम कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। एक स्टार इस ब्लैक होल्स का चक्कर लगाता है और एक दूसरा स्टार इन दोनों की परिक्रमा करता है। नॉर्मली ब्लैक होल्स के आसपास गर्म गैसों की एक डिस्क बन जाती है, जिससे कि एक्सरे और दूसरी रेडिएशंस निकलती है, जिससे कि ब्लैक होल्स को आसानी से डिटेक्ट कर लिया जाता है। लेकिन ये ब्लैक होल पूरी तरह से शांत है। वैज्ञानिकों ने इसे इसकी ग्रेविटी के इफेक्ट से खोजा है। मजेदार बात यह है कि इस ब्लैक होल के तारों को हम बिना किसी टेलीस्कोप या दूरबीन की मदद से भी देख सकते हैं। पृथ्वी के आसपास कितने ब्लैक होल्स हैं? दोस्तों, एस्ट्रोनॉमर्स ने पृथ्वी के करीब दर्जनों ब्लैक होल्स का पता लगा लिया है। पृथ्वी के निकटतम ब्लैक होल्स की संख्या 26 है। इनमें पृथ्वी से सबसे करीब का ब्लैक होल 1100 लाइट ईयर दूर है। इसका नाम HR 6819 QV-TEL है और सबसे दूर का 30,000 लाइट ईयर दूर है। इसका नाम 4U1543-475 है। दोस्तों, हम यहाँ सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी के ब्लैक होल्स की ही बात कर रहे हैं। पृथ्वी से लगभग 27,000 लाइट ईयर दूर मिल्की वे गैलेक्सी का सबसे बड़ा ब्लैक होल सेजिटेरियस ए स्टार मौजूद है। दोस्तों, हमारा सूर्य सौर मंडल इसी सुपरमैसिव ब्लैक होल की परिक्रमा कर रहे हैं। मिल्की वे गैलेक्सी में कितने ब्लैक होल्स हैं? दोस्तों, हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में लगभग 100 बिलियन स्टार्स हैं, मतलब कि 100 अरब तारे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मिल्की वे में कितने ब्लैक होल्स हैं? पृथ्वी से लगभग 27,000 लाइट ईयर दूर मिल्की वे गैलेक्सी का सबसे बड़ा ब्लैक होल सेजिटेरियस ए स्टार मौजूद है। हमारा सूर्य और सौरमंडल इसी ब्लैक होल की परिक्रमा कर रहे हैं। सूर्य से बड़े तारे जब खत्म हो जाते हैं तो एक ब्लैक होल बनता है,
स्टार्स की संख्या के आधार पर एस्ट्रोनॉमर्स ने हिसाब लगाया है कि हमारी गैलेक्सी में 10 मिलियन से लेकर 1 बिलियन तक ब्लैक होल्स होने की पॉसिबिलिटी है। ब्लैक होल्स को डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। यही कारण है कि 1 अरब ब्लैक होल्स होने के बावजूद वैज्ञानिक केवल कुछ ब्लैक होल्स का ही पता लगा पाए हैं। एंड्रोमेडा गैलेक्सी के सेंटर में कितना बड़ा ब्लैक होल है? दोस्तों, हमारी गैलेक्सी मिल्की वे की सबसे करीब की गैलेक्सी है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। यह हमसे 2 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर है। यह भी हमारी मिल्की वे की तरह एक स्पाइरल गैलेक्सी है और इसके सेंटर में भी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है। यह हमारी गैलेक्सी के सुपरमैसिव ब्लैक होल सेजिटेरियस ए स्टार से काफ़ी बड़ा है, जहां हमारे सुपरमैसिव ब्लैक होल की चौड़ाई 14.6 मिलियन माइल्स है और इसका मास 40 लाख सूर्य के बराबर है। वहीं दूसरी ओर एंड्रोमेडा का ब्लैक होल 516 मिलियन माइल्स चौड़ा है और इसका मास 14 करोड़ सूर्य के बराबर है। लेकिन एंड्रोमेडा गैलेक्सी का सुपरमैसिव ब्लैक होल काफ़ी शांत है और इसमें से ज़्यादा एक्सरे और दूसरी तरह की रेडिएशन नहीं निकलती है। क्या पृथ्वी के करीब कोई ब्लैक होल आ सकता है? दोस्तों, ब्लैक होल किसी प्लैनेट को तभी नष्ट कर सकता है जबकि वो प्लैनेट ब्लैक होल के काफ़ी करीब चला जाए। पृथ्वी के सबसे पास अब तक खोजा गया ब्लैक होल भी लगभग 1100 लाइट ईयर्स दूर है। सूर्य के सबसे करीब का स्टार अल्फा सेंटोरी है, जो कि हमसे 4.3 लाइट ईयर्स दूर है। इतना पास होने पर भी अल्फा सेंटोरी की ग्रेविटी का हम पर कोई असर नहीं होता, इसलिए बहुत दूर स्थित ब्लैक होल पृथ्वी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। पृथ्वी सूर्य के साथ मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर का चक्कर लगाती है, तो हम सोच सकते हैं क्या पृथ्वी के ऑर्बिट में कोई ब्लैक होल आ सकता है? दोस्तों, पृथ्वी पर जीवन और सौरमंडल में प्लैनेट्स की व्यवस्था इस बात का सबूत है कि सूर्य के गैलेक्टिक ऑर्बिट में कोई भी ब्लैक होल नहीं है, क्योंकि अगर ब्लैक होल होता तो उसकी ग्रेविटी के प्रभाव में सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स बिखर गए होते। लेकिन ऐसा नहीं है। लगभग 4.5 अरब साल से प्लैनेट्स और एस्टेरॉयड्स सोलर सिस्टम में एक ऑर्डर में जमे हुए हैं। ब्लैक होल की इवेंट होराइजन क्या होती है? दोस्तों, किसी भी ब्लैक होल की इवेंट होराइजन वो बाउंड्री है जिसे क्रॉस करने के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट वापस इस यूनिवर्स में नहीं आ पाता है, यहाँ तक कि लाइट भी नहीं। ब्लैक होल की इवेंट होराइजन किसी ऑब्जेक्ट की एस्केप वेलोसिटी से लिंक्ड है। आप ब्लैक होल के जितना करीब होंगे उसकी ग्रेविटी से बच निकलने के लिए आपको उतनी ही ज्यादा स्पीड की जरूरत होगी। लेकिन इवेंट होराइजन पर जाकर ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि उससे बचने के लिए आपको लाइट से भी ज्यादा स्पीड की जरूरत होगी। अगर आप लाइट की स्पीड से भी तेज स्पीड में ब्लैक होल से दूर जाएं, तो आप उसके भयानक ग्रेविटेशनल जाल से बच सकते हैं। लेकिन इस यूनिवर्स में लाइट की स्पीड या उससे ज़्यादा स्पीड प्राप्त नहीं की जा सकती। इसका सीधा मतलब यह निकलता है कि कोई भी चीज़ इवेंट होराइजन को पार करने के बाद वापस नहीं आती है। ब्लैक होल में गिरने पर क्या होता है? दोस्तों, इस यूनिवर्स में सबसे खतरनाक और सबसे रहस्यमय ऑब्जेक्ट्स ब्लैक होल्स होते हैं, जहाँ अकल्पनीय चीज़ें होती हैं, भयानक ग्रेविटी होती है। स्पेस टाइम पूरी तरह से मुड़ जाता है, समय बहुत धीमे चलने लगता है। स्पेस और टाइम अपना रोल आपस में बदल लेते हैं। अगर आप एक स्टेलर ब्लैक होल, एक ऐसे ब्लैक होल में गिर जाएं जो कि किसी स्टार के खत्म होने से बना है, तो आपका शरीर एक स्पेगेटी की तरह खींचकर लंबा हो जाएगा, क्योंकि ब्लैक होल की भयानक ग्रेविटी आपके पैरों पर ज्यादा और आपके सर पर उससे कुछ कम प्रभाव डालेगी, जिससे आपका शरीर खींचकर लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक बड़े सुपरमैसिव ब्लैक होल में गिर जाएं, तो आप इस स्पेगेटिफिकेशन से बच सकते हैं और इवेंट होराइजन पार कर सकते हैं। ब्लैक होल से दूर खड़े आपके साथी ऑब्जर्वर को लगेगा कि आपका समय रुक गया है और आप समय में फ्रीज हो गए हैं, जबकि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा और आप कुछ सेकंड में ही इवेंट होराइजन पार कर लेंगे। प्रकाश में द्रव्यमान नहीं होता, तो फिर ब्लैक होल से प्रकाश की किरणें क्यों नहीं निकल पाती? दोस्तों, इसका जवाब जानने के लिए हमें ग्रेविटी और स्पेस टाइम को ठीक ठीक समझना होगा। न्यूटन के विज्ञान के अनुसार हम ये मानते आए थे कि ग्रेविटी एक आकर्षण बल है जो कि दो द्रव्यमान वाले ऑब्जेक्ट्स के बीच लगता है, जबकि आइंस्टाइन के विज्ञान ने हमें यह बताया कि ग्रेविटी दरअसल स्पेस टाइम का घुमाव है। हर ऑब्जेक्ट अपने आसपास के स्पेस टाइम को थोड़ा घुमा देता है। ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा, स्पेस टाइम उतना ही कर्व्ड हो जाएगा। ब्लैक होल अपने आसपास के स्पेस टाइम को इतना अधिक घुमा देते हैं कि प्रकाश की किरणें भी उस घुमाव से बाहर नहीं निकल पाती। यही वजह है कि प्रकाश के फोटॉन्स में मास नहीं होता, फिर भी ब्लैक होल्स उन्हें अपनी तरफ खींच लेता है। ब्लैक होल के आसपास समय धीमा क्यों हो जाता है? दोस्तों, ब्लैक होल के आसपास समय धीमा हो जाता है और इवेंट होराइजन पर तो यह लगभग रुक ही जाता है। अगर आप ब्लैक होल से सेफ डिस्टेंस पर खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे हैं और आपका कोई दोस्त ब्लैक होल में गिर रहा है, तो आपको लगेगा कि वह बहुत धीमे धीमे ब्लैक होल की तरफ जा रहा है। उसकी घड़ी आपको बहुत सुस्त चलती हुई लगेगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने हमें बताया है कि समय, द्रव्यमान और दूरी ये सब एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, बल्कि रिलेटिव होते हैं। हर ऑब्जर्वर के लिए ये अलग अलग होते हैं। सिर्फ लाइट की स्पीड ही हर ऑब्जर्वर के लिए एब्सोल्यूट होती है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। दूसरी बात यह है कि हम समझते हैं कि स्पेस और टाइम अलग अलग दो चीज़ें हैं, जबकि ये दोनों मिलकर एक कॉम्प्लेक्स स्पेस टाइम फैब्रिक बनाते हैं। ब्लैक होल की ग्रेविटी की वजह से ये स्पेस टाइम फैब्रिक बहुत ज़्यादा कर्व्ड हो जाता है और प्रकाश की किरणों को ज़्यादा लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। अब लाइट की स्पीड तो फिक्स्ड है, इसीलिए समय धीमे चलने लगता है।
ब्लैक होल की पहली फोटो। दोस्तों ये ब्लैक होल की फोटो जो आप देख रहे हो ये वास्तविक यानी कि रियल फोटो है। 10th अप्रैल 2019 को एस्ट्रोनॉमर्स ने पहली बार किसी ब्लैक होल की असली फोटो दुनिया के सामने पेश की थी। यह एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है जो कि M87 नाम की सुपर जाइंट इलिप्टिकल गैलेक्सी के सेंटर में स्थित है। ये गैलेक्सी पृथ्वी से 55 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है, यानी कि यहाँ से प्रकाश को हम तक आने में 5,50,00,000 वर्ष का समय लगता है। ब्लैक होल्स कितने बड़े हो सकते हैं, मैक्सिमम साइज ऑफ ब्लैक होल्स कितना हो सकता है? दोस्तों ब्लैक होल्स स्टार्स, प्लैनेट्स और प्लाज्मा गैसेस को निगल कर आकार में बड़े से बड़े होते जाते हैं। लेकिन कोई ब्लैक होल कितना बड़ा हो सकता है, क्या इसकी कोई अपर लिमिट है? किसी ब्लैक होल का मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है? मैथमेटिकल थ्योरीज के हिसाब से देखा जाए तो ब्लैक होल के साइज की कोई लिमिट नहीं है। ब्लैक होल लगातार अपने आकार को बड़ा कर सकते हैं। लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स ने सारे यूनिवर्स की स्टडी करके पाया है कि गैलेक्सी के सेंटर में पाए जाने वाले अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल्स कभी भी 10 बिलियन सोलर मास से ज्यादा बड़े नहीं हुए हैं, और बिग बैंग से यूनिवर्स के बनने के समय के हिसाब से ये सही साइज है। इसके अलावा हाल ही में हुए एक रिसर्च में पाया गया है कि अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल्स अगर 10 बिलियन सोलर मास से बड़े होने लगते हैं तो उनके आसपास की मैटर डिस्क बिखर जाती है और उन्हें और ज्यादा मैटर मिलना बंद हो जाता है, जिससे कि उनका आकार बढ़ना रुक जाता है। दोस्तों साइंस की अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर का बटन दबाकर व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।